हम सब ने कभी ना कभी तो नेचुरल डिजास्टर एक्सपीरियंस किया ही होगा, पर आपको क्या पता है बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर के आने से पहले ही उसे सेंस कर लेते हैं, जैसे कुत्तों का भौंकने लगना अचानक से और बहुत सारे जानवरों का अजीब हरकत से करना। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये सब जानवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस कर सकते हैं, जिसके कारण ये पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ये सारे बात तो लगभग सबको पता ही होगा, पर एक फिश ऐसी भी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस मल्टीपल टाइम बेटर कर सकती है, जिसको ऑर्फिश द सी सर्पेंट या ऑर्फिश द लेजेंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्फिश की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत कम ही अवेलेबल है। ये बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की फिश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ओशियन सरफेस पर नेचुरल डिजास्टर के आने से पहले ही आते हैं, जैसे सुनामी और अर्थक्वेक। और ये सब ये जब तक समुद्र के किनारे आते हैं तब तक इनकी डेथ मिस्टीरियस वे में हो चुकी रहती है। इसके कारण बहुत कम ही ऑर्फिश लाइव देखी गई हैं। ऑर्फिश नॉर्मली ओशियन के बहुत डेप्थ में रहते हैं, जिसके कारण इनका इनकाउंटर इंसानों से ना के बराबर ही होता है। ये कितने बड़े हो सकते हैं इसका कोई डिटेल इन्फो तो नहीं है, लेकिन साल 1996 में एक 23 फुट यानी 7 मीटर जाइंट ऑर्फिश को कैलिफोर्निया के नेवल एम्फिबियस बेस पे पकड़ा गया था। और गूगल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये कहना है कि लार्जेस्ट ऑर्फिश जो कि 11 मीटर की है और 270 केजी का वेट लगभग है इसका। ऑर्फिश के ओशन में डेप्थ में रहने का कारण यह पूरी तरीके से तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना यह है कि ऑर्फिश ओशन के सरफेस में इस कारण नहीं रहती है क्योंकि सरफेस पे ओशियन के वेव का करंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये प्रॉपर तरीके से स्विम नहीं कर सकते और ये उसके कारण डेप्थ में रहना पसंद करते हैं। अभी तक की लेटेस्ट लाइव ऑर्फिश को पकड़ा गया है जो कि आई थिंक 2019 में था, जिसको जापानीज फिशरमैन पकड़े। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसा वीडियो और बेटर क्वालिटी के साथ लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.